फरीदाबाद में इन दिनों बदमाश बेखौफ हो गए हैं। बदमाशों में पुलिस तथा कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है, जिसका जीता जागता नजारा देखने को मिला पर्वतीय कलोनी स्थित अटल चौक पर, जब तीन नकाबपोश बदमाशों ने एक किराना स्टोर संचालक से बंदूक की नोक पर लगभग 35,000 रुपए की लूट कर ली और मौके से फरार हो गए। घटना स्टोर के सामने लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी को कब्जे में लेकर जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की बात कह रही है, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस घटना ने यह तो साफ कर दिया कि फरीदाबाद में पुलिस का खौफ बदमाशों से कम होता नजर आ रहा है। तीन बंदे आए थे जी, तीन बंदों ने, एक ने मेरे ऊपर यहाँ पे निकले, एक ने गल्ले खींचने के बाद मैंने उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद उसने मुझे दबा दिया नीचे, फिर एक मुक्का मारा उसने, फिर फायर करी। अच्छा, फायर किया तो गोली कहाँ किसी को लगी? नहीं, गोली किसी को नहीं लगी, गोली निकल गई थी, गोली वहाँ लगी। अच्छा, वहीं इस घटना के बाद पुलिस का कहना है कि घटना के बाद उन्हें सूचना दी गई थी, जिसके बाद वह पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचे तो पीड़ित ने उन्हें बताया कि तीन नकाबपोश बदमाशों ने दुकान में घुसकर उसके साथ न केवल मारपीट की, बल्कि जब उन्होंने उसका विरोध किया तो उन पर फायरिंग भी की गई। आरोपी गल्ले में रखे 30 से 35 हजार रुपए लूट कर फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर लूट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मेरे पास कल करीब 6 बजे के पास फोन आया था, बंटी गर्ग नाम के लड़के का फ़ोन आया था, उसने मेरे को ये कहा था कि सर यहाँ पे कुछ बदमाश आ गए और मेरे पैसे छीन ले गए। तो मैं तुरंत मौके पर अपनी पुलिस फोर्स साथ गया, वहाँ पे मैंने देखा तो सीसीटीवी फुटेज जो एरिया में लगी हुई थी गलियों में, वो मैंने खंगाली हैं। उसमें तीन लड़के नकाबपोश हैं जिन पर वेपन भी था, जो करीब 30-35 हजार रुपये बंटी गर्ग से छीन कर ले गए हैं। और मौके पर जितने जो और गलियों में कैमरे वगैरह हैं वो भी सर्च किए हैं, उसकी वीडियो जो फुटेज हमने ली हुई है। मौका पर क्राइम टीम भी हमारी पहुंच गई थी, SHO साहब, ACP साहब सभी मौके पर हाजिर आ गए थे। उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि उन फुटेजों को सही तरह से साफ करा के खंगाल के अपराधी को पकड़ सकें और इसमें हम जल्दी ही कामयाबी हासिल करेंगे। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।